वेलकम। इस वीडियो में हम लोग पीसीआर या फिर पुट कॉल रेशियो को समझेंगे। देखिए, पुट कॉल रेशियो ये रेशियो है किसका, आपका नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स किसी भी ऑप्शन के पुट का टू द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल का, तो ये एक रेशियो है। और ये मार्केट के सेंटीमेंट डिटरमाइन करने के लिए ये रेशियो यूज किया जाता है। हम लोग ये रेशियो दो तरह के बेसिस पर निकाल सकते हैं, एक ओआई के लिए वाई के बेसिस पे, या दूसरा हम लोग वॉल्यूम के बेसिस पे भी निकाल सकते हैं आपका ये रेशियो, ठीक है। तो देखिए, अगर हम लोग वाई के लिए निकाले पीसीआर, तो पुट ओपन इंटरेस्ट ऑन पार्टिकुलर डे डिवाइडेड बाई क्या है आपका कॉल ओपन इंटरेस्ट ऑन सेम डे, तो आपका ये पीसीआर वाई निकलता है। और पीसीआर वॉल्यूम कैसे निकलता है, पुट का वॉल्यूम पार्टिकुलर डे डिवाइडेड बाई आपका कॉल का वॉल्यूम पार्टिकुलर डे, तो आपका क्या निकलता है, ये पीसीआर वॉल्यूम निकलता है। तो इससे हम लोग क्या क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं। देखिए, पीसीआर कॉन्ट्रेरियन इंडिकेटर है, मतलब एक ही पॉइंट पे लोग दो तरह का व्यू एक संग रख सकते हैं। इस वजह से ये ज़्यादा रिलायबल तो मेरे हिसाब से नहीं है, लेकिन जिन लोग जो लोग यूज करते हैं और कर रहे हैं, वो एक तरह से थोड़ा सा अगर इसमें ट्विक कर ले तो ये काफ़ी अच्छा काम करने लगेगा। जैसे कि ये जो पुट कॉल रेशियो निकलता है, बायर्स पर्सपेक्टिव से निकलता है, बायर्स पर्सपेक्टिव से निकलता है। आप इसको सेलर्स पर्सपेक्टिव समझ लीजिए कि ये बायर्स नहीं है, सबके सब सेलर्स हैं, तो ये थोड़ा अच्छा काम करने लगेगा आपके लिए। जैसे हम जनरली सजेस्ट करते हैं कि अगर रेशियो एक से ज़्यादा है, तो कहा जाता है कि जनरली ये थ्योरी है कि रेशियो एक से ज़्यादा है, पीसीआर का रेशियो एक से ज़्यादा है, तो कहा जाता है कि लोग पुट ज़्यादा बाई कर रहे हैं, कॉल से ज़्यादा पुट बाई कर रहे हैं। ये रेशियो एक से कम है तो कहा जाता है कि लोग पुट से ज़्यादा कॉल बाई कर रहे हैं। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, कहाँ ट्विक करने को बोल रहा हूँ, मैं करने को बोल रहा हूँ कि आप बायर्स की जगह सेलर्स को समझ लीजिए कि एक से ज़्यादा है तो पुट सेलर्स ज़्यादा हैं, कॉल एक से ज़्यादा है तो कॉल सेलर्स ज़्यादा है, ये आप ट्विक कर लीजिए। अदरवाइज आप बायर्स को भी रखेंगे तो काम करेगा आपका, लेकिन कॉन्ट्रेरियन होता है या आपका बॉटम और टॉप निकालने का काम आता है। देखिए, पीसीआर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम लोग चाहें तो पार्टिकुलर स्ट्राइक के लिए निकाल सकते हैं या फिर पूरे स्ट्राइक का निकाल सकते हैं। देखिए, पार्टिकुलर स्ट्राइक जैसे यहाँ पर हमने 10,300 के लिए निकाला है, 10,300 आप देखेंगे तो क्या किया है, मैंने पुट के ओआई को डिवाइड किया है और यहाँ पे कॉल के वाई को डिवाइड किया, पुट का वाई डिवाइड बाय कॉल के वाई, हमारे निकल के आया 1.2, आपका पीसीआर निकल के आया। तो ये जो ट्रेडिशनल थ्योरी है वो बोलता है कि इस पीसीआर के हिसाब से क्या बोलेगा कि पुट बायर्स यहाँ पे ज़्यादा है। लेकिन मैं करने को क्या बोल रहा हूँ, मैं करने को बोल रहा हूँ क्या कि आप यहाँ समझिए कि पुट सेलर्स ज़्यादा है कॉल सेलर्स से, तो ये आपका कन्वेंशनल आप जाएंगे तो ये बेरिश इंडिकेशन देगा, लेकिन अगर थोड़ा सा ट्विक करके जाएंगे तो ये बुलिश इंडिकेशन देगा। तो आपके ऊपर है, क्योंकि दोनों ही सही है, दोनों ही थ्योरी सही है, लोग दोनों तरह के थ्योरी को मानते हैं, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत होता है पीसीआर में। और मेरे हिसाब से कि ये थोड़ा कॉन्ट्रेरियन है, तो जब भी आप इसको यूज करें, अकेले यूज ना करें, इसके संग और भी कुछ चीज़ों को कंबाइन करके यूज करें, वाई को या फिर मैक्स पेन को या फिर अदर डेटा को कंबाइन करके यूज करने की कोशिश करें। तो ये हम पार्टिकुलर स्ट्राइक के लिए निकाल सकते हैं या फिर पूरे स्ट्राइक को निकाल सकते हैं। जैसे इस जगह हमने क्या किया, कॉल के वाई को सारा डेटा वाई इधर लिखा, पुट के सारे देते हैं कि वाई को यहाँ पे लिखा और यहाँ जोड़ लिया, एडिशन कर लिया, सम कर लिया और ये सम कर लिया और इसको डिवाइड किया हमने इससे, तो ये हमारा निकल के आया ये। तो ये इंडिकेट करता है क्या कि कॉल लोग ज़्यादा बाई कर रहे हैं, कॉल ज़्यादा बाई कर रहे हैं, मतलब ये सिंपली इंडिकेट करता है कि लोग बुलिश हैं अगर ट्रेडिशनल से जाएँ। लेकिन आप मेरे मैं जो बोल रहा हूँ उसके हिसाब से जाएँ तो मैं बोलूँगा कि सेलर्स कॉल सेलर्स ज़्यादा हैं,
कॉल सेलर्स सेल करने वाले लोग ज़्यादा हैं। तो पीसीआर को अकेले यूज ना करें जब भी करना है, क्योंकि कॉन्ट्रेरियन है, एक ही समय पे मतलब एक सिक्का है, सिक्का के दोनों पहलू के लोग मानने वाले हैं पीसीआर पे। तो ये पीसीआर था, आपको समझ आया होगा। कुछ क्वेश्चन रहता है तो आप आराम से पूछ सकते हैं।